जी की तरफ से नमस्कार। दोस्तों जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफी जगह पे काफी लोग अपने अपने विचार विमर्श रख रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और ओरिजिनलिटी तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, सुंदर और सटीक जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही है। मेरे पास भी काफी कमेंट्स आ रहे थे तो मैं आप लोगों को सबको एक एक बारीकी से ना बता के सबको एक ऑडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपनी टीम को ये ऑडियो जरूर से जरूर सुनाएं और सब यूजर्स परवाइन यूजर्स को ये ऑडियो सुनाने का कष्ट करें। तीन बातें हैं, तीन बातों पर लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि ओरिजिनलिटी है क्या। तो मैं पहले तीन बातें बता देता हूँ कौन सी हैं, फिर उनके बारे में मैं एक एक चीज आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात है कि सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया कि 30 जून के बाद अकाउंट 30 जून तक ही लगेंगे। दूसरी है कि सर सारे अकाउंट एक मोबाइल नंबर से जो रजिस्टर्ड है उनको मर्ज कर दिया जाएगा, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन कैसे क्या होगा। तीसरी बात है क्रिप्टो करेंसी का कॉइन फ्री में दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं, आपके 30 जून तक अकाउंट है तो सिस्टम का जो क्राइटेरिया था जो 7 मिलियन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैं पिछले 2019 से जितने भी जूम मीटिंग्स वगैरह में जाता हूँ सबको मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, सिस्टम का कुछ क्राइटेरिया है, जिस दिन क्राइटेरिया सिस्टम का पूरा हो गया उस दिन सिस्टम कुछ बड़ा धमाल करेगा। आप लोगों ने सुना होगा मैं जब भी मीटिंग में जाता हूँ 2019 के बाद जब भी 2020-21 में जितनी भी कोविड में मीटिंग हुई है सब में क्लियर खोल के ये बात बोला है मैंने कि जिस दिन सिस्टम का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा यूजर्स का उसी दिन सिस्टम बहुत बड़ा कदम उठाएगा और वो ही कदम आज उठा रहा है। तो सिस्टम को अब ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं है ऐसा काफी लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं सिस्टम 30 जून की डेडलाइन क्यों डाला है कि 30 जून तक जो भी यूजर अपनी आईडी एक्टिवेट करेगा अपग्रेड करेगा उसको ही, जो तीसरा क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी वाला वहां पर मैं चला जाता हूँ सीधा, उसको ही सिस्टम अपना फाउंडर मान के फ्री में सिक्के देगा, यानी पर्लवाइन का जो क्रिप्टो करेंसी का कॉइन होगा वो फ्री में उनको देगा। ये बात मैं नहीं, सिस्टम ने क्लियर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाया है, मैं तो बस इसको समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अकाउंट खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिस्टम जब क्रिप्टो करेंसी में जाएगा तो उसके बाद सिस्टम हो सकता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही कोई नया प्लान लेके आ सकता है। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, ये सुंदर और सटीक बात नहीं है, क्लियर रहे इस बात का। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी में जाने के बाद सिस्टम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई नया प्लान और नया प्लेटफॉर्म भी लेके आ सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। बाद बाकी मैं जो भी बता रहा हूँ वो सुंदर और सटीक बातें बता रहा हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि सर अकाउंट मर्ज हो जाएंगे, तो जैसे कि मैं बता दूं एक मोबाइल नंबर से मान लीजिए 10 अकाउंट है, 10 अकाउंट में कोई दो अमेथिस्ट एक टोपाज एक रूबी और पर्ल है तो सबको मर्ज कर दिया जाएगा तो सर हमको लॉस होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सिस्टम सबकी जितनी भी आईडियों के नीचे जितना भी टीम है उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स करेगा, मर्ज करेगा और सिस्टम के पास एक एक कैलकुलेशन है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट देगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी लेके बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी 10 आईडिया 200 क्वार्ट्स है और क्वार्ट्स पर, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वार्ट्स पर सिस्टम फ्री में मुफ्त सिक्के 10-10 सिक्के दे रहा है तो आपके कितनी हुई 10 आईडिया, 10 आईडिया हुई मर्ज की हुई है तो आपका 10 × 100 तो आपको 100 कॉइन वो वहां पे दे देगा तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर अलग अलग होती तो भी आपको 10 ही मिलता, 10-10 सब में 10-10 100 मिलता और मर्ज हो गई तो भी 100 मिल गया तो आपको घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम पूरा बेनिफिट देगा बल्कि 2-3 गुना बेनिफिट देगा। ऑनिक्स, अब यहाँ पे बात मैं क्लियर कर दूं क्योंकि बार बार में फिर कॉल करेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी यूजर्स की 9 आईडी क्वार्ट्स है 1 ऑनिक्स है और क्वार्ट्स वालों को मान लीजिए एग्जांपल लिया अपन ने 10 कॉइन देता है तो क्वार्ट्स के हो गए 90 कॉइन और मान लीजिए ऑनिक्स को देता है 5 कॉइन तो आपको 95 कॉइन मिल जाएंगे एक ही आईडी पर, कोई इशू नहीं है इसका। हाँ, आपको जो ध्यान रखना है इन चीजों को छोड़िए, आपको ध्यान क्या रखना है कि जितना हो सके अपनी अपनी जो आईडी है उसको उच्चतम रैंक पे अपग्रेड करें, जितना बड़ा आपका रैंक होगा उतना बड़ा आपको सिस्टम के द्वारा मुफ्त सिक्के दिए जाएंगे।
दूसरी बात किस प्रकार दिया जाएगा? पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे थे फॉर्चून वॉलेट में पर्ल वालों को क्या मिल रहा था, कोरल को क्या, रूबी को क्या, आप लोगों के सामने ज्यादा जोड़ी और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं आप जानते हैं किसको कितना कितना सिस्टम के द्वारा मिल रहा था, उसी के ही अकॉर्डिंग आप लोगों को सिस्टम मुक्त सिक्के बांटेगा। अब बात करते हैं बहुत से लोग कि सर ऑटो पुल, मैं एक बात बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि सर हमको 32 लाख पर्ल का ऑटो पुल आना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने बोल दिया कि 32 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी इससे आना है हमको ऑटो पुल से पर्ल के, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऑटो पुल क्या है, ऑटो पुल से बेटर सिस्टम हमको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से दे सकता है। जैसे कि ऑटो पुल आ रहा है उससे बेस्ट है कि ऑटो पुल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑटो पुल एक साल में आ रहा है, मान लीजिए एक साल में एक लेवल आ रहा है, बड़े बड़े जो लेवल हैं चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें ये तो आप जानते हैं काफी टाइम लेते हैं, इनका ऑटो पुल मान लीजिए 1.5 साल में आता है। मैं ये कहता हूँ हमको सिस्टम जो कॉइन्स बांट रहा है उस कॉइन्स की 2 साल के अंदर वैल्यू क्या रहेगी हम सोच नहीं सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मार्केट है कि ये कहने को तो बहुत ही रिस्की है, लेकिन मैं आपको बता दूं किन के लिए रिस्की है जो नया कॉइन लॉन्च करते हैं। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में छोटा सा शॉर्ट में बताता हूं कि जैसे कि कोई भी फर्स्ट बार जब लॉन्च होता है तो ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से खरीद लिया जाता है। अब ट्रस्ट वॉलेट को बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग तो जो एक्सचेंज होते हैं बाइनेंस वगैरह इन पे आने के बाद खरीदते हैं, तो उससे पहले ही कम रेट में लोग ट्रस्ट वॉलेट में उसको बाय कर लेते हैं, और जैसे ही बाइनेंस पे जाता है लोगों को पता लगता है लोग वहां पे बाइंग स्टार्ट करते हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट वालों को 4 गुना 5 गुना 50 गुना प्रॉफिट मिल जाता है। तो वहां पे वो गिरने के चांस क्यों होते हैं? वहां पे गिरने के चांस इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपना ऊपर सस्ते का लेके ऊपर जाने पर वो सेल आउट कर देते हैं, लेकिन पर्ल वाइन की कम्युनिटी हमारे पास इतनी बड़ी यूजर्सों की संख्या है कि हमको किसी प्रकार की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिस्टम जिनके पास वॉलेट के अंदर डीपी होगा उन लोगों को बाई करवाएगा। एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूँ, $1 से सिस्टम लॉन्च करेगा, तो आपने मान लीजिए वहां पर 100 डीपी आपके पास पड़े हैं, वो 100 डीपी से आपने 100 कॉइन बाई कर लिए पर्ल वाइन के, पहले सिस्टम अपने को फाउंडर को मौका देगा, डायरेक्ट लिस्ट नहीं करेगा, को फाउंडर को मौका देगा, को फाउंडर से अपना जितना भी खरीदना चाहेंगे वो खरीद लेंगे, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट पे जाएगा, यानी कि 100% में से 60-70% सप्लाई को तो वो अपने पर्ल वाइन को फाउंडर को ही देगा, बाकी बची हुई 30-40% है वो मार्केट के लिए रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कॉइन किस स्तर पे होगा, किस रेट में होगा। जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है क्रिप्टो करेंसी का क्या काम करता है उसको तो पता है कि कितना क्या होने वाला है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूं। तो सिस्टम, ये बात कर रहा था मैं अपने पैसे का, सिस्टम जो कॉइन आप उनको फ्री गिफ्ट में देगा, तो जैसे कि सिस्टम ने वादा किया है जिस भी रैंक का जितना भी रैंक अचीव किया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग देगा, वो भी उसी तर्ज पे होगा। बाइनेंस में जाने के बाद उसकी रेट बढ़ेगा दबा के, और पर्ल वाइन की कम्युनिटी सिस्टम इतना है कि कभी भी अपने अपने कॉइन को गिरने नहीं देगा बल्कि ऊपर चढ़ाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर 100 डीपी का अगर कोई कॉइन खरीद लेते हैं, पर्ल वाइन का कॉइन साइट पे ही खरीद लेते हैं, उसके बाद सिस्टम उसको लॉन्च करेगा ट्रस्ट वॉलेट पे, ट्रस्ट वॉलेट के बाद में फिर बाइनेंस पे आएगा, आने वाले 6 से 12 महीने लास्ट 15 महीने में आप सोच सकते हो कि वो कॉइन की क्या रेट होगी। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जब सिस्टम में मिंट चला करती थी तो $1 से कितनी पहुंची थी आप सब लोगों को मालूम है। जहां पर हमारी सिर्फ पर्ल वाइन की कम्युनिटी थी, लेकिन अभी ऑल ओवर वर्ल्ड की कम्युनिटी रहेगी, आम बंदा उसको खरीद पाएगा। तो सोचिए कि आपका $1 का एक कॉइन कहां तक जा सकता है, एक मिंट जब 300+ जा सकती है तो एक कॉइन कहां तक जा सकता है, ये सोचने की बात है, आपको सोचना पड़ेगा। तो ऑटो पुल तो कहीं नहीं, ऑटो पुल तो अलग साइड हो गया, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अभी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, लास्ट एंड फाइनल मैं यही बताना चाहूंगा कि जो लोग ये अपने 40-50 रुपए में डीपीआर सेल कर रहे हैं, अपने वॉलेट को खाली कर रहे हैं, वो रुक जाइए, मान जाइए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने डीपी को सेल ना करें, बिल्कुल ना करें।
अगर कर दिया तो आप बहुत पछताएंगे। अगर आपके वॉलेट में अगर 100 DP भी है तो आप ये समझ लीजिए वो 100 DP नहीं, कितने हजार DP है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 100 DP से आप अपना वॉलेट में पर्लवाइन का कॉइन खरीदना और उसके बाद देखना आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। बाकी आप सब समझदार हैं। मैं जो बताना चाह रहा था, जैसे लोग अफवाहें डाल रहे थे तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, जो भी है तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुका हूँ। बहुत जल्दी सिस्टम बहुत कुछ करने वाला है। लास्ट अनुरोध यही करूंगा सब यूजर्स से, अपने वॉलेट में कम से भी कम 100 DP रखें जिसके माध्यम से आप कॉइन परचेज कर पाए। दूसरा, जितना हो सके अपने रैंक को हाईएस्ट रैंक पे अचीव करें, अपग्रेड करें, ताकि आपको सिस्टम के द्वारा जो मुफ्त सिक्के दिए जाएंगे, बेनिफिट दिया जाएगा, वो अच्छा दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा आप देखिए, जैसे पल का ऑटोपुल छोटा है, कॉर्ल का ऑटोपुल बड़ा है, ओनेक्स का उससे बड़ा, स्टेप बाय स्टेप बड़े है। तो जो जिस रैंक पे ऑटोपुल जितना मिल रहा था और जिनको छोटा मिल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग कॉइन भी छोटे मिलेंगे। जिसको बड़ा मिल रहा था, जिसकी बड़ी रैंक है, जिसको बड़ा मिल रहा था, उसको कॉइन बड़े मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा सब कुछ। यानी सिस्टम पूरा क्रिप्टो करेंसी में जाने वाला है, तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। आपकी 10 ID हो, 20 ID हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम प्रत्येक ID का बेनिफिट आपको एक ही ID पे देगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय पर्लवाइन। शांति बना के रखें और सिस्टम को अपना काम करने दें, सिस्टम को आप रोके ना।